नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। क्लाउन टाइम्स ने पीएम मोदी की इस ऐतिहासिक जीत पर उनके संसदीय क्षेत्र बनारस के सर्राफा कारोबारियों सतनाम सिंह धुन्ना, प्रकाश जी अग्रवाल, मुन्ना प्रसाद सोनी से सीधा सवाल किया कि उन्हें अपने प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा है। साथ ही हमारा दूसरा सवाल था कि पीएम मोदी ने पहली बार मुसलमानों का विश्वास जीतने की बात कही है, इस बयान के बाद क्या वे मुस्लिम समाज का विश्वास जीत पाएंगे? देखिए क्या कह रहे हैं सर्राफा कारोबारी। इस बार मोदी जी से बहुत अपेक्षाएं हमको है। आने वाला समय मोदी जी व्यापारियों का, सर्राफों का, जहाँ तक हो सके हर चीज़ का साथ देंगे। हमको हर चीज़ की उम्मीद है उनसे, और आने वाला समय भी जो है उनके सिवा दूसरा कोई नहीं है। और जो वो देश के लिए कर रहे हैं उसके लिए हर कोई खुश है। बल्कि हम सिख लोग भी, एक व्यापारी के नाते और सिख लोग भी इनसे इतने खुश हुए हैं। जो इन्होंने 84 में जो कांड हुआ उसके लिए जो आदमी को सजा दी है वो दूसरे कांग्रेस ने नहीं दिया है, इन्होंने दिलवाया है। इसलिए सिख भी बहुत खुश है। सिखों की भी, पंजाबियों की टोटल वोट इन्हीं को गई है। ये हमारे सांसद नहीं, ये हमारे पीएम हैं। और पीएम हमको हर हृदय से इनकी इज्जत देते हैं, और ऐसा पीएम वर्ल्ड में कोई नहीं होगा। इस वक्त हमारे साथ है बनारस के मशहूर व्यापारी प्रकाश जी अग्रवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार बनारस से रिकॉर्ड मतों से जीत करके संसद बने और पुनः प्रधानमंत्री वो बने हैं देश का। बनारस का व्यापार जगत है, वो उनसे क्या अपेक्षा करता है? सर्वप्रथम तो बनारस वासी के रूप में मुझे खुशी है कि हमारे देश से हमारे सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा अधिक से अधिक मतों से विजयी होकर और यहाँ पर फिर से सांसद बने हैं और प्रधानमंत्री बने हैं। हमें इस बात की कोई शिकायत नहीं है कि हमारे व्यापार जगत में कोई कमी हुई है, मेरा ये मानना है। बल्कि हमसे संबंधित सभी लोग, मैं 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और लायंस क्लब 2015-16 में मैंने एज ए मंडलाध्यक्ष के रूप में लायंस की सेवा की है, जो कि हमारा क्षेत्र गोरखपुर से लेके और एमपी में सिंगरौली और इलाहाबाद सारा क्षेत्र करीब 525 किलोमीटर के वर्ग में हमको जाने आने का मौका अभी भी मिलता रहता है। पूर्व गवर्नर के रूप में हमने यही देखा है, लोगों से बातचीत किया है, लोगों ने खुद फीडबैक दिया है कि जितना अच्छा अपना देश, अपना शासन इस समय चल रहा है उतना पहले कभी नहीं चला। सब लोग, हम लोग भय मुक्त होकर कार्य व्यापार कर रहे हैं। मेरे खुद के व्यापार में, मैं चांदी जेवर का थोक व्यापारी हूँ, पहले 1% का टैक्स था, अभी 3% GST हो गया है, लेकिन फिर भी मेरा व्यापार भी बढ़ा है। हमारे यहाँ आने वाले जो छोटे दुकानदार थे वो लोग बिना किसी भय के आते हैं, वो लोग बिल का माल लेते हैं, बिल लेते हैं और जाते हैं। आपको बनारस में क्या विकास दिखाई दिया 5 वर्षों में? मेरी उम्र लगभग 60 वर्ष है, जितना विकास मैंने बचपन से लेके कभी नहीं देखा था वो उतना विकास मैंने पिछले 5 वर्षों में देखा है। हर गली हर सड़क अच्छी हो चुकी है। मुझे याद है जब पहले डिवाइडर बने थे आज से 5-7-8-10 साल पहले किन्हीं रोडों पर, तो वहाँ डिवाइडर के दोनों तरफ धूल हमेशा भरी होती थी और कोई भी बस या कोई भी बड़ा वाहन जाता था और हम स्कूटर से पीछे जाते थे, वो सारी धूल उड़ के हमारे ऊपर आती थी। लेकिन इस समय मैं लगातार देखता हूँ कि वो धूल उड़ती हुई नहीं दिख रही है, धूल कहीं इकट्ठा नहीं दिख रही है। अपने महमूदगंज एरिया से वहाँ जाने में 1.5 से 2 घंटा लगता था बाबतपुर, और वहाँ से 10 मिनट के अंदर तुलानंद से बाबतपुर पहुँचने में लगता है। बाबतपुर शहर में हमारे जो घर के व्यापारी या हमारे नाते रिश्तेदार आते हैं, जब वो एयरपोर्ट पर उतरते हैं, उतर के जब मैं उनको लेके इधर की तरफ बढ़ता हूँ तो वो लोग अचंभित हो जाते हैं कि ये वही बनारस है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के हित के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर के आए हुए हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम कोई भी हमारे लायंस परिवार में, हमारे दोस्त यार में बहुत से मुस्लिम भाई हैं हमारे, कोई भी मुस्लिम भाई कभी नहीं उनको नरेंद्र मोदी जी को अपना विरोधी मानता है। हम लोगों में से ही कुछ लोग आपस में एक दूसरे को लड़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को मुस्लिम विरोधी बोलते हैं। गांव के लोगों से हमारी बात होती है, हमारे यहाँ के स्टाफ हैं या हमारे मित्र के स्टाफ हैं वो यहाँ से 10-20-25 किलोमीटर दूर गांव में रहते हैं, उन लोगों का ये कहना है। योजना प्रधानमंत्री आवास योजना दी गई है वो पूरे पूरे क्षेत्र में दी गई है। 40 में अगर 15 ग्राम अगर अन्य वर्ग के हैं तो उनको भी उसी तरह से सहायता मिली है, उनका भी उसी तरह से बन के घर तैयार हुआ है। कहते नहीं है, उन्होंने करके दिखाया है। अगर गाँव में उन्होंने उज्ज्वला योजना में
गैस का चूल्हा दिया, तो उन्होंने ये नहीं देखा है कि नसीमा खातून के यहाँ जा रहा है या नुसरत बानो के यहाँ जा रहा है या चमेली के यहाँ जा रहा है। वो उन्होंने सबको दिया, एक लाइन से उन्होंने सबको दिया है। अरे मुख्यमंत्री योगी जी के व्यवहार से, उनके शासन से, उनके कहिए तो डर से, गाँव के जो प्रधान भी हैं वो भी जो भी रिपोर्टिंग करते हैं वो सारी सही सही रिपोर्टिंग करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं धनलक्ष्मी ज्वेलर्स के डायरेक्टर मुन्ना प्रसाद सोनी जी। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी को स्वागत करना चाहता हूँ कि दूसरी बार बनारस के प्रधानमंत्री बने हैं, दूसरी बार बनारस से। व्यापारियों के लिए उनका बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि व्यापार बहुत आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। उनके जो नीति हैं, आयोग नीति हैं, व्यापारी नीति हैं, जो भी हैं वो लागू कर रहे हैं इस समय, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, जैसे व्यापारियों के हितों में काम आएगा। क्योंकि GST है, लोग शुरू में परेशान हुए कि नहीं GST है खराब है, मगर नहीं, GST बहुत बढ़िया व्यापारियों के लिए, क्योंकि जो बीच वाले रास्ते हैं, बीच वाले लोग खाने वाले थे, 2 पैसे 4 पैसे 10 पैसे, फॉर्म ये निकालो 38 फॉर्म निकालो पैसा दो, ये सब खत्म हो गया। इसके लिए व्यापारी के बहुत फायदे हैं, बहुत बढ़िया है ये कि मुस्लिम के उपेक्षित है, नहीं मुस्लिम के पक्ष में सब काम करते हैं। लोगों का कहना है कि नहीं वो नहीं करते, मगर हमारे प्रधानमंत्री जो भी कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हिंदू के लिए मुस्लिम के लिए सब अच्छा ही कर रहे हैं, सबके लिए फायदेमंद। जितना वो अपना नियम ला रहे हैं सबके लिए, सबके लिए एकजुट होने के लिए, एक भाईचारे के लिए कर रहे हैं वो। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।